चलिए भाई, अगेन भाई वेलकम। एक अपना सीए इंटर का और अकाउंट्स के एक बार आपको पार्ट को डिस्कस कर रहा था। अकाउंट्स के पार्ट के अंदर एज आई टोल्ड यू वी हैव थ्री डिफरेंट कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया था। एक हमारे पास आता है नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वॉज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड द लास्ट पार्ट वॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अभी हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। सो वी विल डू दिस चैप्टर, अभी इसी के चैप्टर्स कवर अप करेंगे कि व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो लेट्स राइट डाउन, हमारा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स। हेडिंग लिखिए भाई, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स। चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम्स क्या चीज है। ठीक है, हम लोग पहले इसके साथ स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में हमने नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी फोकस करना है। मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि ये जो नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 40 मार्क्स का पेपर कवर करता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो अगेन अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए 40 मार्क्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 मार्क्स। तो इस तरीके से नॉर्मल सेग्रीगेशन होता है। हाउ एवर एक बात और याद रखना, मैंने ये चीज बता चुका हूं कि ये 50, 30 और 20 भी हो सकता है, या 30, 50 और 20 भी हो सकता है। मतलब जनरली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो 20 नंबर के आसपास आते ही आते, आप मान के चले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे 20 नंबर के आसपास आते ही आते, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम्स क्या है। लेट्स बिगिन विद इंश्योरेंस क्लेम्स गाइस। देखिए इंश्योरेंस क्लेम्स इतना इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्यों है और ये चैप्टर के स्टार्ट होने की कहानी, पहले हम इसको समझते हैं कि ये चैप्टर शुरू कैसे हुआ। एक आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं, इंश्योरेंस क्लेम्स स्टार्ट कैसे होता है। देखिए बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, किस चीज का रिस्क? आग लगने का, चोरी होने का, ठीक है। आपका बिजनेस चल रहा है, अच्छे खासा आपका पास स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, बाय चांस आग लग गई, सारा गोडाउन के अंदर से सामान जल के राख हो गया। अब उसका नुकसान कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने इंश्योरेंस कराई होगी तो, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके गोडाउन में सामान पड़ा हुआ, चोर आया, चोरी करके ले गया, लॉस बाय थेफ्ट जिसको हम बोलते, उसकी भी इंश्योरेंस कवर हो जाती है, am I right? तो बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम्स आपको यही बेनिफिट देता है। इंश्योरेंस क्लेम्स क्या आपको बेनिफिट देता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी नुकसान होता है, किसी भी तरीके का लॉस, वो लॉस आपका इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है। वो लॉस कौन कवर कर देता है? इंश्योरेंस कंपनी। सो उस पर्टिकुलर लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम्स हम लोग करते हैं। आप लोग जनरली इंश्योरेंस कराते ही हैं, जैसे आप अपने स्कूटर की इंश्योरेंस करा रहे हो, वैसे बिजनेस में अपने सामान की इंश्योरेंस कराई जाती है। आप लोग कहते हैं ना चोरी ना हो जाए हमारा स्कूटर भाई, तो हम लोग स्कूटर चोरी ना हो जाए हम उसकी इंश्योरेंस कराते। इसी तरीके से अपना बिजनेस में हमारा सामान चोरी ना हो जाए या उसमें आग ना लग जाए, डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, हम उसकी इंश्योरेंस कराते। अच्छा, बट ये इंश्योरेंस क्लेम हम कैलकुलेट कैसे करते? फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा 5 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर 5 लाख का स्टॉक है तो मुझे 5 लाख ही दो, इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख देगी? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। इस बात को समझो, अगर आप बोलोगे मेरे पास गोडाउन में 5 लाख का सामान पड़ा मुझे इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख ही दे दे, आपके कहने से नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, दे लॉट ऑफ थिंग्स विच मैटर आउट हियर। वो कहेंगे भी आपकी पॉलिसी क्या है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हम एक बात करते, एक मिस्टर चुनूलाल है हमारे, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मिस्टर चुनूलाल है, उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने पॉलिसी ली हुई है सारी लाख रुपए की, ठीक है,
और वो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का। मेरी बात को समझना, गोडाउन में स्टॉक पड़ा 5 लाख रुपए का, और वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि भाई हमें ना आप आग लग गई हमें 5 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी पागल है क्या? तुम लाख रुपए की पॉलिसी हमसे करवा रहे हो और तुम स्टॉक रखा हुआ तुमने 5 लाख रुपए का, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे दें लाख रुपए की पॉलिसी के पीछे? नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी इन सब चीजों को कंसिडर करती है। आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है? कहानी क्या है? इंश्योरेंस कंपनी बोलती, भाई तेरी पॉलिसी का अमाउंट क्या है बता, तूने लाख रुपए की पॉलिसी क्यों करी? जब तुझे पता था कि तेरा 5 लाख रुपए का स्टॉक है तो तू लाख रुपए की पॉलिसी करा क्यों रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होती है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है इंश्योरेंस क्लेम्स, याद रखना, इन्हीं सब बातों पर डिपेंड करता है इंश्योरेंस क्लेम्स। सो अब यहां पर कहानी क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम्स का फंडा क्या है, हम लोग को इसको समझना है कि व्हाट इज द बेसिक फंडा फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स। तो गाइस हम सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, लेट्स राइट डाउन। प्लीज राइट डाउन, एवरी बिजनेस हैज टू फेस, एवरी बिजनेस हैज टू फेस सो मेनी रिस्क आउट ऑफ विच डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और स्टॉक ड्यू टू फायर और थेफ्ट इज अ मेजर रिस्क। ड्यू टू फायर और थेफ्ट इज अ मेजर रिस्क। पैराग्राफ चेंज, इंश्योरेंस इज अ सर्विस insurance is a service provided by insurance companies which indemnifies। बेटा इंडेमनीफाई का मतलब होता है कोई चीज को कंपनसेट करना। मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा देता हूं कंपनसेट, मैं कई बार वर्ड यूज करूंगा इंडेमनीफाइज, विच इंडेमनीफाइज द लॉस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, विच इंडेमनीफाइज द लॉस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। तो भाई इसी चीज को हम इंश्योरेंस का क्लेम कहते हैं कि हर एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं और उस रिस्क के कारण हमारा कोई एसेट या स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो जाता है आग लगने से मान लो या चोरी होने से, तो इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, और याद रखिएगा जो आपके लॉस को कंपनसेट करती है ताकि आपको नुकसान ना हो। बट एक लाइन नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखना है हाउ एवर द कंपनसेशन कैन नेवर एक्सीड, द कंपनसेशन कैन नेवर एक्सीड the amount of policy, compensation can never exceed the amount of policy।
तो बच्चा ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हो और आपके गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको 5 लाख का क्लेम नहीं देगी, कंपनी आपको आपकी पॉलिसी के हिसाब से क्लेम देगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि इंश्योरेंस क्लेम कभी भी पॉलिसी के ऊपर नहीं जाता। इज दिस क्लियर एवरीवन? इंश्योरेंस क्लेम कभी भी पॉलिसी के ऊपर नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सो इसी को हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें 2 पार्टीज होंगी, याद रखना 2 पार्टीज। एक होगा इंश्योरर, इंश्योरर मतलब दैट पार्टी जो इंश्योरेंस करती है, ठीक है, कंपनी विच इंश्योर्स द पर्सन। तो वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आ जाते हैं, जैसे मैं कहता हूं LIC ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा बेटा LIC का फुल फॉर्म बच्चों को पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है, इंश्योरर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बड़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं तो जो इंश्योरेंस करती हैं। फिर एक होता है हमारे पास इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जैसे हम लोग सारे हो गए, अगर हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, इंश्योर्ड का मतलब हो गया द पॉलिसी होल्डर। आई रिपीट, इंश्योर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चा, द पॉलिसी होल्डर, ये बात याद रखिएगा। जो पॉलिसी होल्डर होता है उससे हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। हम लोग 2 पार्टीज में इस पूरे चैप्टर में डील करेंगे, एक होगा इंश्योरर और एक होगा इंश्योर्ड। इंश्योरर इज अ पर्सन जो बेसिकली इंश्योरेंस करता है, और इंश्योर्ड जो हमारा पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है। सो फॉर द वन लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स का चैप्टर। इंश्योरेंस क्लेम्स का चैप्टर जो है वो आपको क्या बताता है कि हमारे को बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है, रिस्क होता है आग लगने का, चोरी होने का, और उस लॉस को हम पॉलिसी लेकर कवर करते हैं, उस नुकसान को हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर कवर करते हैं। और वो पॉलिसी जो होती है उसका क्लेम हमने कैलकुलेट कैसे करना है, हमने वो इस चैप्टर में सीखा। अभी समझ में आ गया इस चैप्टर में सीखना क्या है, कि उस नुकसान को, उसके क्लेम को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके पैसे को हमने कैसे कैलकुलेट करना, हमने वो इस चैप्टर में सीखना है। दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स। बच्चा एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है, ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए फाइन, अब आइए सबसे पहले जो इसका मुद्दा है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। अब समझना बच्चा बड़े ध्यान से, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स के कितने टाइप्स होते हैं, पहले आपको यह समझना है। भाई साहब इंश्योरेंस क्लेम हमारे पास 2 तरीके का होगा, इंश्योरेंस क्लेम 2 तरीके का होगा, याद रखिएगा। एक होगा लॉस ऑफ स्टॉक, सबसे पहला, दूसरा होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक और नाम है जिसे कहते हैं कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अभी सर ये दोनों चीजें क्या है, देखिए पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, पहला पार्ट आपको बता दूं प्रीटी सिंपल। आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, सपोज ये हमारा गोडाउन है और गोडाउन में हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, और उस स्टॉक में आग लगने से या चोरी होने से कोई नुकसान ना हो जाए, उस नुकसान को ये पॉलिसी कवर करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का पूरा नाम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, याद रखिएगा। तो एक ऐसी पॉलिसी जो आपके सामान को इंश्योर्ड करती है, किसको इंश्योर्ड करती है, जो आपके गोडाउन में गुड्स पड़े हुए उसको इंश्योर्ड करती है, उस पॉलिसी को क्या बोला जाता है,
लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, तो हमने एक तो इसमें डील कर लिया। दूसरा फंडा क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। सर आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या कहानी है, अब समझो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या, आपके पास स्टोरी क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही कहानी है मिस्टर, हम एग्जाम्पल ले रहे थे चुनूलाल, ठीक है जी, हमारे चुनूलाल जी हैं, मान लो उनका अच्छी खासी एक दुकान थी, ठीक है, क्या कपड़े की दुकान थी बेटा, सपोज कर लो वो लेडीज सूट बेच रहे थे, बड़ा अच्छा शोरूम था उनका, और मान लो 1 अगस्त 2019 को उनकी दुकान में किसी वजह से आग लग गई, ठीक है, और सारा सामान डिस्ट्रॉयड हो गया। अब चलो ठीक है बेचारे को नुकसान हो गया, बेचारा रो रहा है, ठीक है मुझे लॉस हो गया, अब उसको दुकान को दोबारा रीस्टेट करने में, दोबारा से चालू करने में, दोबारा से रीस्टार्ट करने में अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लो बेचारे को 1 दिसंबर लग गया। यार अब 3-4 महीने दुकान को दोबारा से बनाने में लगी जाते हैं, बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो अब यहां पर मिस्टर चुनूलाल ने क्या करा कि अपना दिसंबर में स्टॉक को दोबारा से भरा और दोबारा से दुकान को रीस्टार्ट करा। अच्छा अब इस 4 महीने के दौरान, ये जो 4 महीने का पीरियड है, आप देखोगे अगस्त से लेकर दिसंबर तक का, तो बेचारा वेला बैठा रहा, काम तो कुछ करा नहीं उसने, मेरी बात समझ रहे हैं, इस 4 महीने के दौरान उसने जो काम करना था उसने नहीं करा, वो फ्री बैठा रहा। अब मुझे एक बात बताओ, जो 4 महीने के दौरान उसने काम नहीं करा तो उसको जो प्रॉफिट होना था, जो एक्चुअली में काम करता और प्रॉफिट होता, वो हुआ नहीं हुआ, वो प्रॉफिट उसको नहीं हुआ। तो जब किसी बंदे का बिजनेस डिस्ट्रॉयड होता है और बंदा काम नहीं कर पाता और उस वजह से उसको जो प्रॉफिट एक्चुअली में होना था उससे उसको नुकसान होता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या इसे कहते हैं कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। मतलब अगर आप बिजनेस करते और आपको अगर वहां पर कोई नुकसान होता, ठीक है, या प्रॉफिट होता जो आपको आग लगने की वजह से नहीं हुआ, उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चा? तो क्या फंडा है, एक होता लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक सिंपल है, आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें आग लग गई और वो डिस्ट्रॉयड हो गया, अल्टीमेटली वो जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ वो स्टॉक जो है आपका लॉस ऑफ स्टॉक कहलाएगा, उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, तो उसको कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब मान लो आपका बिजनेस 4 महीने डिसरप्ट रहा, बिल्कुल बंद रहा, अब आपका बिजनेस उन 4 महीने में कोई काम नहीं कर सकता, उस 4 महीने में जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट होने थे वो प्रॉफिट आपको नहीं हुए, उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, एंड दैट कवरेज ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। गाइस पहले मुझे सारी कहानी बताइए, इज दिस क्लियर, सारे बच्चों को कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए फाइन। अब इस केस में हम लोगों ने पहले तो यह समझना मुन्ना कि अपने को, अभी हम लोगों ने सिर्फ केस 1 या टाइप 1 को डिस्कस करना है, अभी टाइप 2 हमारा पहले 4-5 क्लासेस में आएगा ही नहीं, हमारा सिर्फ टाइप 1 डिस्कस होगा और हम लोग बड़ी सी हेडिंग लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ये लो भी एक बड़ी सी हेडिंग बना लो कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को डिस्कस करना और किसी चीज को नहीं, विल बी डिस्कसिंग ओनली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अच्छा अब मुद्दा ये है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई तुम्हारा लॉस ऑफ स्टॉक होगा, चलो बताओ तुम क्लेम कैसे कैलकुलेट करोगे। अब वो क्लेम हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोगों सारे बच्चों को एक चीज दिमाग में बैठ रही है, क्लेम कैलकुलेट करने का मतलब क्या, आपको नुकसान हो गया ना, आपसे इंश्योरेंस कंपनी पहले पूछेगी भाई बताओ तुम्हारा स्टॉक कितने का था, चलो तुम बताओ तुम क्या मांगते हो हमसे, तुम मांगो, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को सैंक्शन करती है, तो क्लेम तो आपको ही करना पड़ेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी आगे बोलेगी नहीं नहीं तुम्हारा नुकसान हुआ हमें ना तुम्हारे लिए, इंश्योरेंस कंपनी बेटा पापा नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता उसके अंदर, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बोलेगी कि हम तुम्हारे लिए बैठे हुए, तुम्हें जाकर वो पैसे मांगने पड़ते, तो वो क्लेम आपको करना पड़ता है, तो वो क्लेम आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली
आप इस क्लेम को कैसे कैलकुलेट करते हो? आप लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो भाई साहब, जो लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम है उसको हम लोग इन स्टेप्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब वो स्टेप्स क्या है, लेट्स राइट डाउन। स्टेप नंबर वन, बच्चा आप लोग को सबको पता है मेरे नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, एक मुझे अच्छी अच्छी वाली कॉपी चाहिए, वो पतले पतले कॉपियां मत ले आना, ठीक है। वी शुड हैव अ बोल्ड एंड थिक मोटा सा रजिस्टर, क्योंकि नोट्स ढेर सारे बन जाएंगे। ओके, लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, कंप्यूट जीपी ऑफ लास्ट ईयर, कंप्यूट जीपी ऑफ लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। पहला फंडा क्या होगा भाई, पिछले साल का जीपी निकाल ले भाई। अच्छा, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, सर पिछले साल का जीपी क्यों, सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप खाली स्टेप लिखते जाओ। अब आप लोगों ने इस लेवल पे आ चुके हुए, सारे बच्चों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना होता है, फिर भी मैं एक बार आपको याद कराने के लिए बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक पहले गिवन होगा, पिछले साल की आपको परचेजेस गिवन होगी, नेट लिखनी है ऑब्वियसली, नेट समझ के सारे बच्चे, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग परचेज रिटर्न्स, जो पिछले साल की सेल्स होती है नेट वो आपने लिखनी है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपको लिखना है, सारा कुछ गिवन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे पिछले साल के, ये सारा कुछ लास्ट ईयर का है तो मैं यहां पर बड़ा बड़ा लास्ट ईयर लिख देता हूं, लास्ट ईयर मतलब जिस साल आग लगी उसके जस्ट पिछले साल, आरपी लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, जिस साल आग लगी उसके जस्ट पिछले साल, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट ईयर। तो भाई हम लोगों को सबसे पहले यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर यहां पर मेरे पास एक बैलेंस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जीपी, दिस इज कॉल्ड एज जीपी ऑफ लास्ट ईयर। यार जीपी का फुल फॉर्म याद है बच्चों को क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना बेसिक तो है हमारा। तो हम लोगों ने पहले क्या करना है, पिछले साल का जीपी बना लेना, जीपी निकाल लेना। उसके बाद आपने स्टेप टू में क्या करना है, जीपी निकाल लिया, फिर आ जाइए स्टेप टू। स्टेप टू क्या होगा, कंप्यूट जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। जीपी निकालने के बाद आपको जीपी परसेंटेज निकालनी पड़ती है। जीपी परसेंटेज क्या होता है बच्चा, जीपी को नेट सेल से डिवाइड करा और आपने इनटू 100 कर दिया। आई रिपीट, जीपी को नेट सेल से डिवाइड करा और आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फंडा याद रखना। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, जीपी परसेंटेज निकालना। अब एक बात और आपको समझाता हूं, देखो ये जरूरी नहीं होगा कि हर समय सारे स्टेप लगेंगे, मैं पहले से बोल रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर समय सारे स्टेप लगेंगे। क्या पंगा है, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको आप पे प्यार आता है, वो पिछले साल का जीपी दे देता है, तो जब पिछले साल का जीपी दिया होगा ढक्कन, तो तुम पिछले साल का ट्रेडिंग क्यों बनाओगे? हम पिछले साल का ट्रेडिंग क्यों बना रहे हैं, जीपी निकालने के लिए। जब पिछले साल का जीपी दिया होगा तो तुम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग क्यों बनाओगे, बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला स्टेप उड़ गया। कई बार क्या होता है, जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है,
तो भाई दूसरा स्टेप भी उड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेप में लिखवाऊंगा बिकॉज मैं मानूंगा कि हमने बड़ा सम करना है, बट कई बार वो क्या करता है आपसे प्यार करता है। आईसीए वाले क्या करते हैं आपसे प्यार मोहब्बत, बड़ा कम ऐसे होता है जैसे आपसे प्यार करें। तो अगर मान लो आपसे प्यार करते हैं और आपको जीपी और जीपी परसेंटेज दे देते हैं तो आप खुश रहिए, आपको दो स्टेप नहीं करने। इसके अलावा स्टेप नंबर थ्री, तीसरा स्टेप पे आइए। फिर इसमें क्या होता है आपको बता देता हूं। प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बच्चा बोलेगा सर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है बेटा? एक्चुअली में ये बनता है अप टू द डेट ऑफ फायर, ये बनता है अप टू द डेट ऑफ फायर। देखो भाई पहली बात आपको बता दूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं इसको, व्हाई द वर्ड मेमोरेंडम इज देयर। देखो मुन्ना अपनी ने एक थोड़ा सा पुरानी आदत है, बहुत सारी चीजें आपको अकाउंट्स में ऐसी बता दूंगा जिसको आपको पढ़ाई से रिलेशन नहीं होगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको अकाउंट्स का इतना नॉलेज हो जाए कि आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता हो, ठीक है? तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा कहानी से थोड़ा अलग हटके। अब जैसे यहां पर आपको मैं रट्टा लगवा सकता हूं बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना, बट अब उसको मेमोरेंडम क्यों बोलते, आप लोगों से कोई सोच सकता है मेमोरेंडम क्यों बोलते, व्हाई नॉट ट्रेडिंग अकाउंट? बड़ी सिंपल सी बात है, मेमोरेंडम का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द सडन बेसिस। अकाउंट्स में कहते हैं जब हम कोई चीज को सडनली बनाते हैं ना, हम वर्ड यूज करते हैं मेमोरेंडम। सर लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मान लो भगवान ना करे किसी के वहां पर आग लगनी हो तो वो आग क्या देख, अच्छा अकाउंट क्लोजिंग ईयर है जब आज आज आग लग जाती, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो तो कोई भी डेट को लग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेमोरेंडम क्या होता है कि आपको ना सडनली एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट द क्लेम, इसीलिए उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। सडन जिसको कहते हैं ना, सडन से अचानक से बनना पड़ता है। जैसे आप लोगों को याद होगा हम बेसिक में जाएं, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर करते हैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, तो हम कहते ना डेथ इज एक्चुअली अनसर्टन, कोई भी मिडिल डेट पे हो जाती है। इसी तरीके से फायर इज ऑल्सो अनसर्टन, ये जो एक्सीडेंट होना होता है दिस इज अनसर्टन, ये कभी भी किसी भी मिडिल डेट पे हो जाएगा। तो यहां पर हमने वर्ड यूज करना है मेमोरेंडम, क्यों? बिकॉज इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वी विल बी पुटिंग अप एवरी आइटम अप टू द डेट ऑफ फायर। क्या करना है? अप टू द डेट ऑफ फायर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल मेरा साल शुरू हुआ अप्रैल, मान लो मेरा साल शुरू हुआ पहली अप्रैल को, मान लो आग लग गई 1 अगस्त को, तो आई हैव टू मेंटेन अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। Is that clear? Why it is called as memorandum? So that memorandum word is important, याद रखिएगा। So, अब memorandum trading account किस तरीके से बनेगा समझिएगा जरा इस चीज को। बेटा इसमें मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि अगर मैं यहां पर heading लिख रहा हूं memorandum trading account, तो आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मेमोरेंडम में सब कुछ बनेगा अप टू द डेट ऑफ फायर। एवरीथिंग विल बी अप टू द डेट ऑफ फायर। पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा नेट परचेजेस, नेट परचेजेस आ गई अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है, देन वी हैव नेट सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अप टू द डेट ऑफ फायर। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके लिए, ये बातें याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज अप टू द डेट ऑफ फायर। Then we have direct expenses, फिर से ब्रैकेट में वही अप टू द डेट ऑफ फायर। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल था, सर पिछले साल का जीपी क्यों निकाला? याद है
पिछले साल का जीपी परसेंटेज क्यों निकाला? Why? Because I told you, accounts is logic. Everything should be given with logic. पिछले साल का जीपी मैंने क्यों निकाला? What is the logic behind that? बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चा. पिछले साल का जीपी निकाला क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स को पिछले साल के जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके इस मेमोरेंडम का जीपी पहले निकाल लिया. क्या करना है? मैंने सेल्स को, इस वाली सेल्स को लास्ट ईयर के जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते. हम लोग एज्यूम क्या करते कि यार जो पिछले साल का जीपी होगा ना अप्रोक्सीमेटली उतना ही जीपी हमें इस साल होगा. बात समझ में आ रही बच्चा आप लोग को? हम क्या मानते हैं कि जो पिछले साल का जीपी होगा अप्रोक्सीमेटली इस साल भी मुझे उतना ही जीपी होगा. तो अल्टीमेटली मेरे पास जीपी आ गया. और यहां पर फिर बैलेंस क्या आता है? दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. ये मेरे पास होता है बैलेंस. तो इसमें बैलेंस आता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन तुम्हारे पास कितना स्टॉक था. तो ये आपको पता लग जाता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. एक्चुअली फंडा क्या है बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक अगर साल का एंड हो तो आपको पता लग जाएगा, बट अगर साल के मिडल में कभी आग लग गई तो कैसे पता लगेगा? आप कभी साल के मिडल में स्टॉक तो निकालते नहीं हो. तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारा स्टॉक था कितना. दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. सो वी गॉट स्टेप नंबर 3. उसके बाद वी हैव स्टेप नंबर 4. अब स्टेप नंबर 4 क्या है याद रखना. इट इज कॉल्ड एज कंप्यूट ग्रॉस क्लेम. स्टेप नंबर 4 क्या बच्चा? कंप्यूट ग्रॉस क्लेम. ग्रॉस क्लेम क्या होता है भाई? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो भी था उसमें से आप स्टॉक सैल्वेज, मतलब जो आपका स्टॉक का नुकसान हुआ है वो आप माइनस कर देते हो. उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्लेम. ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से स्टॉक सैल्वेज या स्टॉक लॉस्ट आप माइनस कर देते. दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्लेम. स्टॉक सैल्वेज बेसिकली क्या होता है? जो आपका स्टॉक रास में बच नहीं जाता बेचारा, कुछ हल्का फुल्का स्टॉक बच गया. सैल्वेज का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूं. जो स्टॉक बच गया, रिमेनिंग स्टॉक, विच इज कॉल्ड एज रिमेनिंग स्टॉक. तो जो स्टॉक बच गया दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक सैल्वेज. ठीक है, तो जो आपका स्टॉक बच गया, जिसको कहते हैं हमारा स्टॉक बच गया गुडाउन में, थोड़ा उसमें आग नहीं लगी, स्टॉक बच गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो स्टॉक खराब हुआ तो उसका क्लेम मांगो ना. जो स्टॉक बच गया तो उसका क्यों क्लेम मांग रहे हो? जो तुम्हारा स्टॉक सही है, मान लो तुम्हारे गुडाउन में मैं कहता हूं 5 लाख का स्टॉक पड़ा था, बाय चांस आप कह लीजिए 1 लाख का स्टॉक थोड़ा आपने साइड पर रखा हुआ था, वहां पर आग नहीं लगी, वो स्टॉक बच गया, तो जो तुम्हारा स्टॉक एक्चुअली में डिस्ट्रॉयड हुआ है तुम सिर्फ उसी का क्लेम मांगो. That is called as stock salvage, जो लॉस होने से बच गया. तो बाकी बैलेंस क्या कहलाता है? ग्रॉस क्लेम. ओके, अब इसके बाद आता है स्टेप 5. अब देखोगे स्टेप 5 में थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, स्टेप 5 में फंगा आता है. इसे कहते हैं कंप्यूट नेट क्लेम यूजिंग एवरेज क्लॉज. इट इज कॉल्ड एज कंप्यूट नेट क्लेम यूजिंग एवरेज क्लॉज. देखो बच्चा, हम लोगों ने अब क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है नेट क्लेम,
और नेट क्लेम जो है आपने एवरेज क्लॉज यूज करके कैलकुलेट करना है। बच्चा बोलेगा सर एवरेज क्लॉज क्या चीज है? भाई आप इसकी ना पहले एक बार कहानी सुन लो दोबारा से, मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से बता देता हूं एवरेज क्लॉज की कहानी क्या है। सुनो, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, मिस्टर चुनूलाल, ठीक है, ये बड़े सियाने हैं। कौन है ये? सियाने, ये भाई सब सियाने हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, मान लो इनके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए का, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं सिर्फ 3 लाख रुपए की, ठीक है। आपको पता है पॉलिसी कम तो प्रीमियम भी कम, सारे बच्चों को पता है प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा बच्चे पढ़े लिखे होंगे यार, इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ता है तो इंसान खुश है, चल यार क्या फर्क पड़ता है, 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं उतना ही प्रीमियम होगा। अच्छा भगवान ना करे उस बेचारे का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय फायर, और वो क्लेम लेने पहुंच गया 6 लाख रुपए का, इंश्योरेंस कभी बोलती इधर बेटा घूम जा, तेरे को हम क्या देंगे, BPL, दैट इज बंपेला। सियाने, जब तेरी पॉलिसी वहां पर 3 लाख की है तो 6 लाख की स्टॉक के ऊपर क्लेम कैसे मांग सकते हैं? हम तुझे तेरी पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा क्लेम कभी नहीं देंगे। दिस इज अ क्लॉज मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। आपको पता है जो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होता है ना 90% लोग सही से पढ़ते नहीं है। पिक्चर देखिए ओ माई गॉड, देखिए परेश रावल की पिक्चर थी बड़ी अच्छी, सारा स्यापा उसी का था, उसमें लिखा होता है कि भाई हम तुम्हें जो नेचुरल डिजास्टर होगा हम तुम्हें उसका क्लेम नहीं देंगे, तो अगला कोर्ट पहुंच जाता है। वो पिक्चरों में ऐसा होता है, हम लोग ऐसा केस नहीं जीतेंगे, ठीक है। वो पिक्चर में ऐसा होता है कि भाई साहब हीरो बन गए और अपना केस जीत गए, ऐसा कुछ यहां पर कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अगर आप इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखोगे, बड़ा कभी टीवी में एड भी आते ना, फटाफट बोलता है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट, फटाफट बोल जाता है। क्यों? वो चाहता ही नहीं आप सुनो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब हम पॉलिसीज लेते हैं ना, हम उसमें डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ते नहीं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, और वो इतनी सारी होती है और इतनी छोटी छोटी लिखी होती है कि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी उसको पढ़ने के चक्कर। अब कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के देख लो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने लंबे सारे होंगे आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, और इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होंगे। तो दैट शुड बी क्लियरिफाइड टू यू, बिकॉज दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज कहता है कि भाई तुम्हारा पॉलिसी के ऊपर क्लेम कभी नहीं जाएगा, पॉलिसी के नीचे तुम्हारा क्लेम होगा, ठीक है। तो अगर तुम सियाने बनने की कोशिश कर रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी कौन है? डबल सियाने। वो बोलेगी जितने की पॉलिसी, हाँ तुम एक काम करो, एक चीज और, मान लो किसी का 6 लाख का स्टॉक है, अब मान लो कोई बेचारा शुदाई ढक्कन है, उसने क्या करा 7 लाख की पॉलिसी करा दी, तो क्या उसको 7 लाख का क्लेम मिल जाएगा? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी कहती मुन्ना कट कट कट, मतलब विच एवर इज लेस, ये एवरेज क्लॉज होता है। अगर तुम सियाने बन रहे हो, तुम 7 लाख की पॉलिसी करा रहे हो, तो तुम सियाने नहीं, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारा जो स्टॉक की वर्थ होगी तुम्हें कभी उससे क्लेम उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 90% लोग करते क्या, 90% लोग यहां पर पॉलिसी कम कराते हैं, अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं उसको पॉलिसी का। तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज लगा देती है कि एवरेज क्लॉज लगा दिया, तुम्हारा पॉलिसी के ऊपर क्लेम कभी नहीं जाएगा। सो व्हाट इज एवरेज क्लॉज, आइए एक बार एवरेज क्लॉज का मीनिंग लिख लेते हैं। एवरेज क्लॉज इज अ क्लॉज इन इंश्योरेंस पॉलिसी, इज अ क्लॉज इन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट क्लेम अमाउंट कैन नेवर एक्सीड
द पॉलिसी अमाउंट। तो याद रखना बच्चा, एवरेज क्लॉज एक क्लॉज होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि क्लेम अमाउंट कभी भी पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा नहीं जा सकता। ये बात याद रखें कि क्लेम अमाउंट कैन नेवर एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो एवरेज क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का कि क्लेम अमाउंट कैन नेवर एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट। ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। अब इसमें फंडा क्या होता है याद रखना। स्टेप फाइव हमारा, ये स्टेप फाइव था कि सिक्स था, फाइव ही था बेटा। और अगला कहां, अभी खत्म ही नहीं हुआ भाई, ये नहीं खत्म हुआ अभी। स्टेप फाइव इज एप्लीकेबल ओनली, लिखो स्टेप फाइव इज एप्लीकेबल ओनली इफ, एक कंडीशन याद रखना, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन और इक्वल टू स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसको ऐसे लिख लो, मतलब ये जो आपका स्टेप फाइव है ये आपने तभी लगाना है जब क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी कम है और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा है। याद रखिएगा, ये स्टेप फाइव आपका तभी लगेगा जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में कम होगी और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका ज्यादा होगा। मतलब ये जो आप निकालते हो ना यहां पर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम के अंदर, ये वाला, ये आपका अमाउंट ज्यादा है और आपने पॉलिसी कम की ली हुई, तभी स्टेप फाइव लगेगा। अब एक बात और याद रखना, इसके नीचे लिख लो, इन सर्टन क्वेश्चंस, In certain questions, amount of policy is not given, then average clause is not applicable। कहने का मतलब कई बार क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया ही नहीं होता तो भाई तुम्हारा स्टेप फाइव लगेगा ही, स्टेप फोर तक आंसर। बात समझ में आ रही है, मतलब स्टेप फाइव लगाने के लिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी का क्वेश्चन में होना अति आवश्यक है। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी ज्यादा होगी और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कम होगा, तब भी स्टेप फाइव नहीं लगेगा। तो स्टेप फाइव आपका इन दो कंडीशंस में नहीं लगेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया आपको वहां पर एक बच्चा है बेचारा मासूम सा बंदा, उसने 7 लाख की पॉलिसी ले ली और स्टॉक सिर्फ 6 लाख का है, तो क्या आपको स्टेप फाइव लगाने की जरूरत है? नहीं। तो स्टेप फाइव एवरेज क्लॉज जिसको हम नेट क्लेम बोलते हैं वो हम तभी लगाएंगे जब हमारा अमाउंट ऑफ पॉलिसी एक तो गिवन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपका क्वेश्चन में कम है और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर उससे ज्यादा है। ठीक है, अब स्टेप फाइव में हम लोग नेट क्लेम कैसे निकालते हैं? अब मुद्दा क्या है बच्चा कि नेट क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है? देखो भी नेट क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस क्लेम। सर ग्रॉस क्लेम कहां था? वो तो स्टेप फोर था ना बच्चा, स्टेप फोर हमारा ग्रॉस क्लेम था। तो याद रखना, ये नेट क्लेम आपका तभी लगेगा
जब आपका पहले आपने ग्रॉस क्लेम डाला होगा, ग्रॉस क्लेम को आप मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी के साथ और उसको डिवाइड करोगे स्टॉक और डेट ऑफ हायर के साथ। अभी सर ये सारी कहानी कैसे, चलिए हम एक काम करते हैं, इस सारी स्टोरी को समझने के लिए पहले एक बच्चों वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अभी स्टार्टिंग में हमें एक दो क्वेश्चन लिखने हैं, बाकी सारा कुछ हमारी बुक में है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेबी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है? तो सेम फंडा, लेट्स बिगिन विद द बेबी प्रॉब्लम। चलिए राइट डाउन। ऑन 15th अक्टूबर 2007 अब ये सारे स्टेप समझाऊंगा आपको। स्टॉक ऑफ मिस्टर रितु, सर अजीब सा नाम नहीं, मिस्टर रितु, हां जी अजीब सा ही है, मिस्टर रितु वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सैल्वेज वॉज वर्थ रुपीज 5,900। अदर इंफॉर्मेशन वॉज insurance policy 68,400, stock as on 31st March 2006 48,000, stock as on 31st March 2007 96,800, purchases April 2007 से लेकर 15 अक्टूबर 2007 72,800, परचेजेस April 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 380,000, सेल्स April 2007 से लेकर 15 अक्टूबर 2007 96,000, April 6 से लेकर 31 मार्च 2007 464,000, वेजेस April 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 40,000, और वेजेस April 2007 से लेकर 15 अक्टूबर 2007 7,200। कंप्यूट लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। कंप्यूट लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। चलो बच्चा, पहले सारे बच्चे जरा इस चीज पर फोकस करो कि हमारे पास
क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर आप देखोगे जस्ट टू स्टार्ट विद, इसको बेसिक समझाने के लिए एक प्रॉब्लम है ये कि भाई हमारे पास 15 अक्टूबर 2007 को भाई साहब आग लग गई, सैलवेज था 5,900, इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास थी 68,400 रुपीज की। चलो पॉलिसी अमाउंट इज गिवन, याद रखना पॉलिसी अमाउंट इज गिवन, पॉलिसी अमाउंट इज गिवन मतलब स्टेप फाइव लगेगा, लग सकता है स्टेप फाइव। बाकी आपको ये पिछले साल का स्टॉक दिया हुआ है, ये इस साल का स्टॉक है, करंट ईयर 2007 है बेटा। अच्छा परचेजेस आपको लिखी हुई है अप टू द डेट ऑफ फायर, ये देख रहे हो आप लोग 15 अक्टूबर 2007 क्या है डेट ऑफ फायर, और ये परचेज दी हुई है पिछले साल की, ये दी हुई है लास्ट ईयर की, फोकस करना है इस चीज पे। इसी तरीके से सेल आपको लिखी हुई है और आपको सेल दी पिछले साल की, इसी तरीके से वेजेस दी हुई है और एक आपको वेजेस दी है पिछले साल की, फोकस करते जाना, एक पिछले साल की और एक अप टू द रेट ऑफ फायर की लिखी हुई है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन विद स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, आपने बनाना है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज मुझे पिछले साल का जीपी गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा वहां पर स्टेप वन स्टेप टू लिखना नहीं, वो खाली आपकी थ्योरी के लिए है, पेपर में नहीं लिख कर आना स्टेप वन स्टेप टू। तो आप क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बनेगा अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक का, यह आपका ट्रेडिंग बनेगा। चलो अब एक काम करो, लास्ट ईयर का जो आपके पास स्टॉक गिवन है उसे आप ले लो, ओपनिंग स्टॉक जो 31 मार्च 2006 का लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज 48,000। भाई 48,000 मेरे पास स्टॉक है पिछले साल का, देन वी हैव परचेजेस, परचेजेस पिछले साल की आपको दी हुई है 3,80,000 रुपए। बेटा अभी सिर्फ पिछले साल वाली इंफॉर्मेशन लो, आपको वेजेस दी हुई है 40,000, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 4,64,000, देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक गिवन एज 96,800। यहां पे चेक कर ले, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 96,800 का। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप देख लो डेट वाइज। सबसे पहले क्या आएगा भाई इस केस में, मेरे पास आ जाएगा जीपी, ये प्लस माइनस करा, वी गेट द जीपी एज 92,800, इट्स 92,800 एज जीपी, ये आ गया भाई। एक बार आपने पिछले साल का जीपी निकाल लिया, अब सारे बच्चे चेक कर लो 92,800 बेटा, सबके पास जंतर है ना, जंतर क्या था अपना, याद है ना सारे बच्चों को। तो भाई अपना जीपी निकाल लिया, इसके बाद आपने निकालना है जीपी परसेंटेज, 92,800 पिछले साल की सेल, 4,64,000 इंटू 100, ये सारा जीपी परसेंटेज आ गया मेरे पास 20%। ओके लो भाई दो स्टेप हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या है मेरा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सब चीजें बनेंगी अप टू द डेट ऑफ फायर, ये बनेगा अप टू 15 अक्टूबर 2007, याद रखना यहां मेंशन कर दिया करो 15 अक्टूबर 2007 तक बनेगा।
ओके, ये बनेगा अप टू द रेट ऑफ फायर। अभी इस केस में जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल ओपनिंग बन जाएगा, ये वाला बेटा 96800 विल बिकम माय ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 96800 रुपीस। परचेजेस 72800। अब देखो परचेजेस मैं कौन सी ले रहा हूं, जो आपको सब में लिखी है अप टू 15 अक्टूबर वाली, सारे बच्चे चेक कर लो। वेजेस कौन सी लूंगा अप टू 15 अक्टूबर, दैट इज 7200। सेल्स कौन सी लूंगा अप टू 15 अक्टूबर, चेक करो 96000 लिखी हुई है, सारे बच्चे इस चीज को देख ले भाई। अच्छा अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग का जीपी मुझे पता है, सर जीपी कितना है 96000 का 20%, ये आ गया। बाकी आ गया बैलेंस, दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये मैंने क्या करना है भाई, डेबिट साइड सारा प्लस करके क्रेडिट साइड माइनस कर दीजिए। देखिए 1,00,000 रुपए आ जाएगा आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 1,00,000 रुपीस। भाई यहां तक आ गया सारे बच्चों का। उसके बाद अब आ जाइए अगले स्टेप पे ग्रॉस क्लेम निकालने। चलो ग्रॉस क्लेम कैलकुलेट करो, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इस 1,00,000 माइनस स्टॉक सालवेज, सालवेज कितना बेटा 5,900। अब देखोगे सम के एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि 5,900 का स्टॉक बच गया। मेरे पास ग्रॉस क्लेम कितना है, ग्रॉस क्लेम है 94,100। ग्रॉस क्लेम क्या है 94100। अब एक काम करो, क्या हमने आखिरी स्टेप लगाना है? कौन बच्चा कह रहा है नो, वाई नो, लगाना है। आप चेक करो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने की गिवन है, चेक करो, और स्टॉक रेट ऑफ फायर कितना है। तो फिर मैंने क्या बोला था, आखिरी स्टेप आपने तब लगाना है जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी क्वेश्चन में कम हो और स्टॉक रेट ऑफ फायर ज्यादा हो। तो ऐसा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज गिवन अस क्वेश्चन में 68,400। व्हाट इज स्टॉक एंड रेट ऑफ फायर, दैट इज 1,00,000। तो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, सो व्हाट इज माय अमाउंट, अब चेक कर लीजिए 64364 अप्रोक्सीमेटली, अगर हम थोड़ा डेसिमल्स वगैरह इग्नोर कर दें तो 64364 इज माय स्टॉक जिसका हम क्लेम कर रहे हैं भाई, नेट क्लेम। अब सारे बच्चे मुझे बताएं क्या ये स्टेप सारे क्लियर है, पक्की बात, कोई डाउट है किसी को यहां तक? ठीक है, बट अब ये तो था बेबी प्रॉब्लम बेटा। सर इसमें पापा आएंगे, आएंगे दादाजी वो भी आएंगे,
सारे होंगे इसके अंदर, ऑल द स्टेप्स वुड बी देयर, बट पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जरा कॉन्सेंट्रेट करें बिफोर वी मूव प्रोसीड फॉरवर्ड। हम लोग इसके आगे करने से पहले पहले हम लोग करेंगे फंडास ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, मतलब देखो कोई भी आप सम करोगे ना, तो सम करते वक्त आपको कुछ पंगे पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो प्रॉब्लम आए ना, तो मैं पहले से आपको इसके फंडास बना दूंगा। अब वो फंडास क्या है, सबसे पहले फंडा वन, पहला फंडा, ध्यान से मेरी बात समझना बच्चा, पहला फंडा हमारे पास क्या है, फंडा वन होता है, इट इज कॉल्ड एज अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। अब समझे भाई, कई बार ना सम में लिखा होता है कि आपने स्टॉक को कम वैल्यू कर दिया या आपने स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर दिया। सर कम वैल्यू करना या ज्यादा वैल्यू करना, मतलब पॉसिबिलिटी होती है यार, कई बार आप स्टॉक को ना अंडर वैल्यू करते हो, कई बार आप स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हो, तो अगर तो आपने करा हुआ है अंडर वैल्यू, याद रखना, अगर तो आपने करा हुआ है अंडर वैल्यू, ठीक है, तो आप उस स्टॉक की वैल्यू को ठीक करोगे। सर ये सब में लिखा होगा, हां जी बेटा सब में लिखा होता है कि हमने कई बार स्टॉक को गलत वैल्यू कर दिया, अब आपने कम करा हुए तो उसको आप ठीक कैसे करोगे। याद रखना, अगर अंडर वैल्यू करा हुए और आपने उस स्टॉक को करेक्ट करना है, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज, जो भी गिवन वैल्यू होगी स्टॉक की, याद रखना गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 100 ओवर 100 माइनस रेट परसेंट। तो याद रखेंगे गिवन वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 माइनस रेट परसेंट, ये आपके पास तब होगा अगर आप स्टॉक को कर रहे हो अंडर वैल्यू। इसको करेक्ट करने का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए आपने स्टॉक को कर दिया ओवर वैल्यू, ज्यादा कर दिया, तो स्टॉक को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे बच्चा। करेक्ट का मतलब आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो करेक्ट कैसे करेंगे, जो भी गिवन वैल्यू होगी स्टॉक की, इंटू 100 ओवर 100 प्लस रेट परसेंट। आई रिपीट, जो भी गिवन वैल्यू होगी स्टॉक की, इंटू 100 ओवर 100 प्लस रेट परसेंट, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। इज दैट क्लियर गाइस। अभी सर कैसे, मैं आपको ना हर फंडा के साथ एक छोटा एग्जांपल दूंगा, ताकि वो एग्जाम्पल आप जब भी अपने नोट्स रिवाइज करें आपको याद रहेगा कि ऐसा सम आएगा तुमने ये चीज करनी है। तो लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल एग्जाम्पल इसी फंडा से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन of a company on 20th March 2007, all stocks were destroyed, all stocks were destroyed except rupees 23,000,
आप लोगों को ये लाइन समझ में आई? 23,000 क्या बच्चा? सैलवेज, याद रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग, कंप्यूट लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। अब आपने क्लेम जो है उसको कैलकुलेट करना है। आपको लिखा है स्टॉक एज ऑन 1st January 2006 अमाउंट 80,000, परचेजेस इन 2006 2,80,000, सेल्स इन 2006 अमाउंट है 4,00,000 रुपए, स्टॉक ऑन 31st December 2006 अमाउंट इज 48,000, परचेजेस ड्यूरिंग 2017 अप टू द डेट ऑफ फायर इट इज गिवन अस 2,10,000, सेल्स ड्यूरिंग 2017 अप टू द डेट ऑफ फायर इज 3,00,000 रुपए। अब यहां तक तो सब नॉर्मल है, नीचे उसने एक लाइन लिख दी, वो क्या? स्टॉक वर ऑलवेज वैल्यूड एट 80% ऑफ कॉस्ट। क्या लिख रहा है? स्टॉक वर ऑलवेज वैल्यूड एट 80% ऑफ कॉस्ट। लो भाई, अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से सारा लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम निकालना है और मेरे पास एक ये पंगे वाला कायम आ गया नीचे। अब एक प्रॉब्लम, पहले देखो पिछले साल का जीपी गिवन है? नहीं, तो फिर अपने को लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आप एक काम करें, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना लें पहले, ओके। पिछले साल का ट्रेडिंग था हमारा, ईयर था 2006, पिछला साल। अच्छा, अब पिछले साल के जो ओपनिंग स्टॉक है, आप नोटिस करो क्वेश्चन में गिवन है 80,000 गिवन है ओपनिंग स्टॉक। देखो जनवरी 2006 का स्टॉक कितना लिखा हुआ है, 80,000। क्या वो वैल्यू सही है? नहीं, क्योंकि इसने लिखा हुआ है स्टॉक्स को हम गलती से हर बार 80% ऑफ कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू को सही करोगे। अब क्या करोगे? जो गिवन वैल्यू है इनटू 100 ओवर, अच्छा अगर 80% पे दिखा रहे हो तो कितना अंडर वैल्यू कर रहे हो? 20% अंडर वैल्यू कर रहे हो। अगर आप 80% पे दिखा रहे हो तो कितना वैल्यू कर रहे हो बच्चा? अपना नीचे अंडर वैल्यू कितना कर रहे हो आप? 20% अंडर वैल्यू कर रहे हो। सो कहने का मतलब ये हो गया कि 100 माइनस 20, या 100 बाय 80 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? इट्स ऑल द सेम। सो अल्टीमेटली माय करेक्ट वैल्यू इज 1,00,000 रुपीज, माय करेक्ट वैल्यू इज 1,00,000 रुपीज, देयर इज नो मिस्टेक इन परचेजेस। परचेज कितना है? 280, ओके। देर इज नो पंगा इन सेल्स, सेल्स कितना है? 4,00,000 रुपए। भाई साहब, अब एक काम करें, क्लोजिंग स्टॉक देखें। क्लोजिंग स्टॉक सारे बच्चे चेक करें,
क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखते हो 48,000 का आपको गिवन है, उसको भी सेम तरीके से वैल्यू करेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली में आपको 48,000 गिवन है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू है 60,000। ये नहीं करोगे तो बड़ा आंसर गलत हो जाएगा और हमारा जीपी जो है वो गलत आएगा। तो जीपी अब एक्चुअली में कितना आ रहा है? हाँ जी, जीपी कितना आ रहा है बड़ा, किसी ने कैलकुलेट करा? 80,000। गुड, ये हमारे पास जीपी आ गया। चलो भाई, ये जीपी आ गया। अब एक बार ये जीपी आ गया अपने पास, तो अपने को जीपी परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला 80,000 का जीपी, उसको 4,00,000 की सेल से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया 20%। 4,00,000 की सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिगेर इज 20%। नाउ लेट्स गो फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स गो फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा मेमोरेंडम बनेगा अप टू द रेट ऑफ फायर। इसको बंद कर दो, इट इज कॉल्ड अप टू द रेट ऑफ फायर। बच्चा ये हमारे पास क्या बनेगा, याद रखना, 20 मार्च तक ठीक है, 20 मार्च तक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है ये देखिए, ये 60,000 है ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है। ये आपके पास आ गया, समझ में आ रहा है? पिछले का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, देन वी हैव परचेजेस। परचेजेस कितना है भाई? 2,10,000। अप टू द डेट ऑफ फायर की परचेज मुझे गिवन है। सेल्स 3,00,000। अच्छा जीपी क्या आएगा? 3,00,000 का 20%। बट आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दिस नाउ। तो 60,000 का जीपी आ गया, यहां पे बैलेंस आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये मेरे पास आ गया 30,000। This is called as stock on the date of fire 30,000। अच्छा, then we have gross claim। Stock on date of fire is given as 30,000। salvage कितना बच्चा? 23,000। तो आपका ग्रॉस क्लेम कितना है? अब बताओ आखिरी स्टेप लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? पॉलिसी अमाउंट इज नॉट गिवन, क्योंकि आखिरी स्टेप लगाने के लिए पॉलिसी अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। अब पॉलिसी अमाउंट है नहीं, हम लगाएंगे नहीं, यहां पर बात खत्म। ये आ गया हमारा आंसर, फिनिश। हाँ जी बच्चा, बच्चा
एक चीज आपको बता दूं, वी विल एक्चुअली क्लेरिफाई दिस पॉइंट, वी विल नेवर एवर कंपेयर द अमाउंट ऑफ पॉलिसी विद द ग्रॉस क्लेम. व्हाई सो? बिकॉज ग्रॉस क्लेम कम्स आफ्टर डिडक्टिंग साल्वेज स्टॉक. ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद द साल्वेज स्टॉक, वी आर कंसर्न विद स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. हमें क्या मतलब है कि जिस दिन आग लगी, मेरी बात समझ रहे हो, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था गोडाउन में, आपके पास स्टॉक कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी का कंपैरिजन होता है. ग्रॉस क्लेम एक पंगा है. ग्रॉस क्लेम क्या होता है? जो बचा हुआ स्टॉक है उसको निकाल देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपने कभी भी अमाउंट ऑफ पॉलिसी को ग्रॉस क्लेम से कंपेयर नहीं करना एवरेज क्रॉस के लिए. मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? लॉजिक समझ में आ गया? वी हैव टू कंपेयर विद स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ठीक है, ओके गाइस, बिफोर आई प्रोसीड टू फंडा नंबर टू, और कोई मन में सवाल है किसी के? दीदी ये सारे स्विचेस बंद कर दो. बेटा और कोई मन में सवाल है? मैं फंडा नंबर टू पे हूं उसके पहले. ठीक है चलो, अब आ जाओ सारे बच्चे फंडा नंबर टू पे. भाई याद रखना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और बाद में इकट्ठे होके ये आपके सर पे डांस करेंगे. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये पहला बच्चा मिला है आप, अभी दूसरे से मिला होगा, फिर ऐसे तीसरा चौथा, ऐसे करके पांच छह बच्चे हैं, और जब ये इकट्ठे होंगे तो आपकी जान खाएगी, याद रखना. ठीक है चलो सुनो, अब फंडा किया है अगला. When purchases or sales are missing, भाई ये जो म्यूजिक बजा उस पर डांस कराऊंगा यहां पर, ये सब नहीं होना चाहिए काका जी मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं. सुबह आने के पहले मोबाइल पहले साइलेंट कर कराओ सारे, जो म्यूजिक बजा बजा उसे उसी पर डांस करना पड़ेगा, चाहे वो रिंगटोन ही क्यों ना हो. भाई परचेज सेल मिसिंग है, अभी क्या मतलब? अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे, सर परचेज गिवन थी, हां जी गिवन थी, सेल गिवन थी, गिवन थी, कल को ना गिवन हो फिर निकालनी पड़ती, उसके बगैर तो ट्रेडिंग बनेगा नहीं. मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चा परचेस और सेल जो है क्वेश्चन में मिसिंग होगी तो उस केस में हम करते क्या? देखो सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूं. परचेस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, बड़ा सिंपल सा फंडा है. और सेल कैलकुलेट करने के लिए आप बनाते हैं डेटर्स अकाउंट. ये बातें याद रखिए. तो परचेस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, और सेल कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं डेटर्स अकाउंट. कैसे? ये देखो फंडा क्या है कि जब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हो तो उसका एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट रहता है. क्रेडिटर्स क्या होता है बच्चा? लायबिलिटी. लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर जाएगा? क्रेडिट साइड पे, अपने को मालूम है. बाकी आप यहां पर कैश पे करते हो, कोई भी आप डिस्काउंट रिसीव करते हो,
ठीक है, कोई भी आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, अच्छा कोई भी परचेज रिटर्न है, या कभी कभार बिल्स पेबल भी दिया होता है, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का अपीयर्स इन द डेबिट साइड, ऑब्वियसली रिवर्स साइड पे। तो ये जो क्रेडिटर्स होता है, ये कुछ स्टेशनरी सी आइटम्स दिखाने के बाद हमारे पास यहां पर बैलेंस निकलता है, इसको हम कहते हैं उधार वाली परचेजेस। कौन सी परचेजेस भाई? उधार वाली परचेजेस, ये मिसिंग होता है। तो उधार वाली परचेजेस जो हैं, ये निकालनी पड़ती है हमें, और इसके बगैर कई बार आप फंस जाते हो, अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। इसी तरीके से मुन्ना हमें कई बार छोटा सा डेटर्स अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसके फॉर्मेट को यूज करके आप सेल्स निकाल सको। ओपनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, एवरीबॉडी नोज इट, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट। इसका उल्टा कर लो, कोई भी आप कैश रिसीव कर रहे हो वो यहां पर आ जाएगा। कोई भी डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, सेल रिटर्न कर रहे हो, बैड डेब्ट्स, बिल रिसीवेबल, कुछ भी कर लो, सारा दिखाने के बाद वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस दिखाने के बाद यहां पर बैलेंस आएगा विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स। वी गेट द बैलेंस एज क्रेडिट सेल्स। बच्चे, इस सारे बच्चों को क्लियर? We got the balance as credit sales. अब जब credit sales मेरे पास आ जाएंगी तो मेरे को sale मिल जाएंगी, और sale से फिर मैं अपना आगे account बनाऊंगा। सर, इसका sum कैसे given होगा? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? Baby problems। हर फंडा के साथ एक question कराऊंगा, मैंने आपसे वादा करा था, ताकि आप एक बार फंडे को अच्छी तरह समझ सके। तो भाई हमारे पास क्या है, ये जो हमारे notes बनेंगे ना, ये हमारे सारे वेदास हैं। You know what are वेदास? सुना बच्चों ने? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा सुना हुआ? हमारा जितना भी हिंदुइज्म का सिस्टम बना हुआ है ना, सारा जितने ग्रंथ बने हुए हैं सारे, सब वेदास के अंदर से बने हुए। तो ये हमारे सारे वेदास हैं। आप जब नोट्स पढ़ेंगे आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक छोटा सा बेबी क्वेश्चन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फंडा। सपोज कर लीजिए आपको लिखा है 31 जुलाई 2007 को आग लग गई भाई, स्टॉक ऑफ रामलाल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपको बोलता है भाई compute his claim from the following information। तो मुझे इसी information से उनका claim calculate करना है। देखिए भाई, आपको information क्या लिखा हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स एज ऑन 30th April 2007 6600, ट्रेड डेटर्स एज ऑन 30 April 2007 916 रुपए।
आपको दिया हुआ स्टॉक एज ऑन 30 अप्रैल 2007 15,210 रुपए। फिर आपको लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स एज ऑन 31 जुलाई 2007 7460। फिर लिखा है ट्रेड डेटर्स एज ऑन 31 जुलाई 2007 2600 रुपए। सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई आपको। फिर आपको बोलता है भाई, आपको साथ ही में लिख रहा है कि एक बैंक पासबुक आपको दी जा रही है, जो आपके पास 30 अप्रैल 2007 से लेकर 31 जुलाई 2007 तक। अच्छा, वो बार बार 30 अप्रैल पे स्ट्रेस कर रहा है, इसका मतलब होता है वो एनुअल अकाउंट 30 अप्रैल को बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक अलग सी डेट देके घबराना नहीं बीच में। एनुअल अकाउंट्स नॉर्मली हम लोग अप्रैल टू मार्च करते हैं, पर आप कोई भी डेट में अपने एनुअल अकाउंट्स बना सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब जब अगला बार बार 30 अप्रैल कर रहा है, इसका मतलब होता है उसने साल शुरू करना अपना 30 अप्रैल से और 31 जुलाई को आग लगा। बात समझ में आ रही है? अपना साल उसने कब शुरू करा? 30 अप्रैल को। बच्चा बोलेगा सर 30 अप्रैल कहां से आ गया बीच में? तो याद रखिएगा, उसके एनुअल अकाउंट्स 30 अप्रैल को बन रहे हैं, ये अजम्पशन लिया जाता है। तो यहां पर बैंक की पासबुक का स्टेटमेंट का बैलेंस आपको दे रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आपको दिया जा रहा है 8400। मेरे पास डेटर्स का बैलेंस रह गया 2996। कैश सेल्स आ गया 30520। और अदर रिसीव्स आ गया 480। क्रेडिटर्स आ गया 25840। अदर पेमेंट्स आ गया 3756। और बैलेंस कैरेड ऑन आ गया 12,800। ये आ गया 12,800। ओके, नीचे एक लाइन लिखी है, जीपी फॉर 30 अप्रैल 2007 टू 31 जुलाई 2007 इज गिवन अस 25% ऑफ सेल्स। एक लाइन तो ये दे दी, जीपी दे रहा है 25% ऑफ सेल्स। फिर लिखता है बिफोर मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। इज डिडक्टेड। चलिए, अब मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा आप देखोगे सम नॉर्मल क्वेश्चन से हटकर है, आपको पासबुक दे दी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। अब कहता है भाई आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन डेटर्स और क्रेडिटर्स की भी दे रहा है, तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी मुन्ना कि आपको इस क्वेश्चन में एज अ वर्किंग नोट डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द परचेजेस और सेल्स। चलिए, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं भाई, आपके लिए एक बार पहले सारा क्वेश्चन शुरू करता हूं।
समझी? सबसे पहले आप स्टार्ट करें, क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हम क्रेडिटर्स अकाउंट चेक करेंगे, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ओपनिंग बैलेंस 30 अप्रैल को आपको लिखा हुआ है 6600, 6600। ठीक है बच्चा। अच्छा एक काम करो सर, कोई कैश पेड टू क्रेडिटर्स या चेक पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है? हाँ जी देखो गिवन। अगर आपको बैंक की पासबुक में क्रेडिटर्स दे रहे हैं, मतलब दिस इज कैश पेड और चेक पेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको शायद याद होगा पासबुक का डेबिट साइड होता है रिसीव साइड, क्रेडिट साइड क्या होता है पेमेंट साइड। याद है थोड़ा कैशबुक पासबुक? तो ये क्या होगा रिसीव साइड, ये क्या होगा पेमेंट साइड, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। और याद रखिएगा क्रेडिटर्स दिया हुआ है 25840, मतलब ये आपके पास पेमेंट हो गई। दिस इज वी से भाई टू बैंक लिखेंगे बिकॉज बैंक पासबुक में दे रहा है 25840, 25,840 रुपीज। ओके, बट एक प्रॉब्लम है यार, यहां पर एक डिस्काउंट रिसीव भी है। अब डिस्काउंट रिसीव कितना है? कहता है यार बिफोर मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हेलो क्या लिख रहा है, लैंग्वेज पढ़ो सारे बच्चे। बिफोर मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैश डिस्काउंट ऑफ 5% इज डिडक्टेड, मतलब ये 25,840 में से 5% ऑलरेडी कट चुका है। अच्छा अब ऑलरेडी कट चुका है तो डिस्काउंट क्या होगा? 25,840 का 5/100 - 5। ये समझ में आया कैसे? क्योंकि डिस्काउंट इज ऑलरेडी डिडक्टेड, तो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट निकालने के लिए रेट ओवर 100 माइनस रेट परसेंट। ये सारे बचपन के फॉर्मूलाज हैं, याद रखिएगा, कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है, दीज आर ऑल बचपन के फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला लगेगा रेट ओवर 100 माइनस रेट परसेंट, दैट वर्क्स आउट टू बी 1360। बच्चा ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स एज ऑन द डेट ऑफ फायर इज गिवन टू मी एज 7460, ये चेक कर लीजिएगा 7460 मेरे पास गिवन है। और मेरे पास ये लिखने के बाद यहां पे बैलेंस आ जाएगी उधार वाली परचेजेस। उधार वाली परचेजेस आ जाएंगी 28,060। हां जी एक परचेज आ गई। अच्छा मुझे एक चीज आपको समझानी और बेटा, ये ऑब्वियस है कि आप 30 अप्रैल को अकाउंट शुरू कर रहे हो और आप 31 जुलाई तक के क्रेडिटर्स देख रहे हो, तो ये जो परचेज होंगी ना ये ऑटोमेटिकली कौन सी आ जाएंगी? ये आ जाएंगी अप टू द डेट ऑफ फायर। ये ऑटोमेटिकली परचेज आ जाएंगी अप टू द डेट ऑफ फायर, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ गई परचेज मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन में कैश परचेज है ही। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर कैश परचेज होती तो मैं टोटल परचेज पर शो करता। कैसे करता? कैश प्लस क्रेडिट मेरी टोटल परचेज आती। ये बातें याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट्स अभी बड़े क्वेश्चंस में आएंगे। ओके, अब ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है? लेट्स गो फॉर डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में क्या था? पहले तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 916। जो कैश कलेक्टेड है डेटर्स का वो गिवन है 2996।
अच्छा उसके बाद सर 2996 बच्चों को समझ में आ गया कैसे लिया मैंने? अब देखो कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है डेटर्स, कैश बुक के डेबिट साइड पे डेटर्स देखो लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2600 रुपए आ गया। यहां पे मेरे पास आ गई उधार की सेल्स, दिस इज 46,080। चेक कर लो भाई उधार की सेल्स कितनी आ गई, 46,680। बट ठहरो मुन्ना, क्वेश्चन में कैश सेल है? हाँ जी दी हुई है। कहां दी हुई है? बैंक पासबुक में चेक करो। तो टोटल सेल मुझे चाहिए होगी, दैट इज 4680 प्लस जो मेरी कैश सेल है दैट इज 30520। तो माय टोटल सेल विल वर्क आउट टू बी, करे बेटा टोटल सेल कितना आ रहा है 35,200। और अगर मुन्ना सेल रिटर्न होती तो माइनस कर देते, नेट सेल चाहिए होती। हां जी यहां तक क्लियर है? बट सर अभी इसमें क्या है, अब अपने को क्लेम, ये तो वर्किंग नोट चल रहे हैं अभी, अपने को क्लेम कैलकुलेट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लेम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप जरा आओ वापस मेरे पास, आपको फर्स्ट स्टेप जीपी निकालना है पिछले साल का, है ना? नहीं निकालना ढक्कन, सारे सो रहे, परसेंटेज दिया हुआ। तो पहले दो स्टेप टाटा बाय बाय, उनको घर भेज दो, चल भी तू घर जा, समझ गए? पहले दो स्टेप खत्म। आप सीधा कहां से शुरू करोगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। आप सीधा बच्चा शुरू कर दोगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। ये लो भाई, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स। ये बनेगा अप टू द डेट ऑफ फायर, सुनिए, ओपनिंग स्टॉक जो आपको मेंशन है क्वेश्चन में 15,210 रुपए, चेक करो ओपनिंग स्टॉक विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज 15,210 रुपए। भाई परचेज अभी आपने निकाली थी, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए 28,060, कितनी निकाली थी 28,060। सेल अभी हमने निकाली थी दैट इज 35,200। सर जी जीपी कितना है? जीपी निकल आएगा 35,200 का 25%, कितना 8,800, चेक करो। पैंतीस हजार दो सौ का 25% कितना आ गया 8,800। चलो भाई अब एक काम करो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालो जरा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 16870। हां जी ये कर लिया, अब आप एक काम और करें, थोड़ी सी अक्कल लगाए, बताए इसमें ग्रॉस क्लेम कितना होगा? ग्रॉस क्लेम कितना होगा सेम, क्योंकि साल्वेज नहीं है,
अच्छा भाई नेट क्लेम कितना होगा? सेम, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास यही मेरा आंसर आ गया सीधा 16,870। सर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे क्या पेपर में? मुन्ना ये तो भी आपको मैं मिठाई खिला रहा हूं, मिठाई में मिर्ची भी डालूंगा भाई। ये सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, गुड। अभी एक काम करते हैं भाई, फर्स्ट डे है, इतना ही डाइजेस्ट करो, ठीक है, वरना ये ना हो कि ज्यादा मीठा खा के शुगर हो जाए।